रोमन रेंस अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं होते तो वो ऐसा कौन सा रेसलर होता है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने कंधे पे लेके चलता है? क्योंकि ऐसा कौन सा रेसलर जो रोमन रेंस की तरह हर चीज के अंदर परफेक्ट बैठे हो? वो रेसलर कोई और नहीं, वो है हमारे ड्रू मैकइंटायर। ड्रू मैकइंटायर की बॉडी फिजिक्स कमाल की और इनकी मैक स्किल तो है कमाल, लेकिन यही बात जो सिर्फ कहना आसान है करना नहीं। ड्रू मैकइंटायर वो बंदा है जो आज लगता हुआ कि वो एक कमाल का रेसलर, लेकिन उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज कर दिया गया था। आपको अभी लगता है ड्रू मैकइंटायर अभी भी खिलाड़ी, लेकिन वो 2007 से रेसल कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। फिर ड्रू मैकइंटायर को रिलीज करने के बाद उन्हें सबको पता चल गया कि हमारे ड्रू मैकइंटायर अब कुछ भी नहीं होने वाला ड्रू मैकइंटायर के साथ। लेकिन ड्रू मैकइंटायर ने हार नहीं मानी, उन्होंने जाके टीएनए में अपना डेब्यू करा और अंदर जाके जीते उन्होंने टीएनए वर्ल्ड चैंपियनशिप। और टीएनए चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्होंने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया, पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू को शॉक कर दिया कि उन्होंने एक बहुत बड़े सितारे को खो दिया अपने डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर से। ड्रू मैकइंटायर की परफॉर्मेंस देखने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने उन्हें रीहायर करा, खुद जाके क्या ड्रू मैकइंटायर हमारी कंपनी में आ जाओ, फिर उन्हें एनएक्सटी के अंदर डाले गए, फिर एनएक्सटी का भी उन्होंने वर्ल्ड लेवल मेन टाइटल जीता। फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को समझ में आया कि उन्होंने कितने बड़े सितारे को पहले खो दिया था जिसका वो इस्तेमाल नहीं कर पाई। ड्रू मैकइंटायर ने कमाल कमाल के मैचेस दिए कि उन्हें मेन रोस्टर पर लाने को डब्ल्यूडब्ल्यू मजबूर हो गई। हमारे ड्रू मैकइंटायर ने जैसे वो मेन रोस्टर पे आया, उन्होंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जो कि काफी कमाल की थी। मेन रोस्टर में आने के बाद हमारे ड्रू मैकइंटायर की एंट्री रॉयल रंबल के अंदर। रॉयल रंबल का हमारे ड्रू मैकइंटायर ने उस बंदे को एलिमिनेट करा जिस बंदे को शुरू से हर को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी से भी नहीं हो रहा था। बीच में कहने ब्रॉक लेसनर ने पूरे रॉयल रंबल को डोमिनेट कर रखा था, लेकिन हमारे ड्रू मैकइंटायर ने आगे क्लेमोर मार के रॉयल रंबल से एलिमिनेट कर दिया हमारे ब्रॉक लेसनर को। सिर्फ हमारे ड्रू मैकइंटायर ने यही कारण में नहीं करे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, उन्होंने आते ही जो ड्रू मैकइंटायर ने फिर ब्रॉक लेसनर को चैलेंज हुआ, फिर इनका रेसलमेनिया 37 के अंदर मैच हुआ, वो बीस्ट ब्रॉक लेसनर को हरा के बन गया न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अब आप लोग समझ गए होंगे हमारे ड्रू मैकइंटायर का करियर जो इतनी आसानी से नहीं उठा है। और एक बात तुम्हें बताने बोली है कि ड्रू मैकइंटायर वही बंदा जिसने ब्रायन कॉर्बिन के फिनिशर एंड ऑफ डेज का 12 साल लंबा रिकॉर्ड तोड़ा उस पर किकआउट करने का। ड्रू मैकइंटायर पहले बंदा बना जिसने एंड ऑफ डेज पे किकआउट करा था। अब आप लोगों को अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा कि ड्रू मैकइंटायर क्या है, उसने कैसे कैसे अपने करियर में सारी मुश्किलें देखी है। जितने भी जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे।